सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मसाला फ़िश फ्राई बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है। टेस्टी के साथ साथ ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, तो आप सेम टू सेम इसी मेथड से इसको फॉलो कीजिएगा। आइए देख लेते हैं हमें मसाला फ़िश फ्राई बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मसाला फ़िश फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 kg मछली ली हुई है। मैंने यहाँ पर टेंगरा मछली ली हुई है, आप अपनी पसंद की कोई सी भी मछली ले सकते हैं। इसको मैंने किस तरह से वॉश करा है इसका तरीका आप जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में दे दूँगी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है, जिससे कि हमारी जो मछली फ्राई होगी वो बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगी, लेकिन आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन लेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चों का एक पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के नींबू का रस लेंगे और 1 टीस्पून नमक लेंगे। पाउडर मसालों में 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया है, इसको मैंने भुना नहीं है, सिंपली कुटा हुआ है, और 1/2 टीस्पून है काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून फूड कलर है जो कि ऑप्शनल है, और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर है। यहाँ पर आप जो मिर्चें हैं और नमक हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें हरे धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसी के साथ नमक डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, चावल का आटा डालेंगे, बेसन डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और साथ में जितने भी पाउडर मसाले लिए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हमें इसको मछली पर अप्लाई करना है, तो हम एक एक पीस लेकर इस तरह से इस मसाले को हर पीस पर कोट कर देंगे, इससे मसाला अच्छे से कोट हो जाएगा हर पीस पर। ये देखिए, इस तरह से मसाले को मैंने मछली के हर पीस पर अच्छे से कोट कर दिया और मैंने सेम उसी बोल में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जिसमें कि मैरिनेट था। अब हमें इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है, उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब हमें मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म कर लेना है और जब तेल अच्छा मीडियम हॉट हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके मछली के पीसेस ड्रॉप कर देंगे। शुरू के 1 मिनट गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा जिससे कि मसाला अच्छे से मछली में फिक्स हो जाएगा, अच्छे से चिपक जाएगा। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे ताकि हमारी मछली जो है वो अंदर तक कुक हो जाए। तेल को अच्छा गर्म रखिएगा वरना मसाला जो है मछली से उतर जाएगा। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड्स को बदल देंगे और इसी तरह से उलट पलट कर इसको फ्राई करेंगे जब तक कि हमारी मछली बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाती है और अंदर से गल नहीं जाती है। तीन से चार मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। लास्ट के 1 मिनट गैस के फ्लेम को हाई कर लीजिएगा जिससे कि ये बाहर से भी क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखिए, दोनों तरफ से हमारी मछली गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई हो गई और ये अंदर से भी अच्छे से गल गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी की मछली भी हम सेम इसी मेथड से फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए, तैयार है हमारी मसाला फ्राई फिश। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनी है। आप इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए, अपनी पसंद की हरी चटनी से इसको सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।